थर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। आई नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश में कोरोना के 7,41,000 से ज्यादा एक्टिव केस, पिछले 24 घंटे में 478 की हुई मौत। कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार एक दिन में 1,00,000 से ज्यादा नए केस। पीएम मोदी 7 अप्रैल की शाम 7 बजे करेंगे परीक्षा पे चर्चा, ट्वीट कर दी जानकारी। बीजापुर जाएंगे अमित शाह, नक्सल हमले में शहीद जवानों को देंगे श्रद्धांजलि, घायलों से भी करेंगे मुलाकात। मुख्तार अंसारी को लाने बांदा से रोपड़ रवाना हुई पुलिस की टीम, 1 बटालियन पीएसी भी साथ। किसान आज एफसीआई के दफ्तरों का करेंगे घेराव, मनाएंगे एफसीआई बचाओ दिवस। भारत दौरे पर रूसी विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव, आज द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम योगी ने नक्सली हमले में शहीद अयोध्या के राजकुमार के परिजनों को 50,00,000 रुपए देने की घोषणा। आईएसजेके का कमांडर जम्मू में गिरफ्तार, आतंकी हमले की थी साजिश नाकाम। कोरोना की पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है दूसरी लहर, बढ़ रही है मुसीबतें। संसदीय समिति ने उठाई सभी राज्यों में एक समान मनरेगा मजदूरी की मांग। ममता बनर्जी को मिलेगा जया बच्चन का साथ, बाबुल सुप्रियो के खिलाफ करेंगी प्रचार। जम्मू में बनेगा भव्य तिरुपति मंदिर, देवस्थानम को सरकार ने दी 62 एकड़ जमीन। यूपी में गौशाला की आड़ में चलाई जा रही थी शराब की अवैध फैक्ट्री, पुलिस ने शराब समेत 10 करोड़ का सामान किया बरामद। छपरा में महिला शिक्षिका की दिन दहाड़े हत्या, शूटर्स ने मारी 6 गोलियां। पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में फैसला, कोविड के चलते महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ भेजी जाएगी केंद्र की टीम। बिहार के सुपौल पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस का किया खुलासा, आरोपी डॉक्टर समेत 9 अपराधी गिरफ्तार। कोटा में कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन, शहर का सबसे बड़ा मार्ट सीज। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार बने 1 स्ट्राइक कोर के कमांडर। ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेता एजाज खान कोरोना पॉजिटिव, एनसीबी टीम का भी होगा टेस्ट। कोरोना संक्रमित अक्षय कुमार अस्पताल में भर्ती, ट्वीट कर दी जानकारी। देश में अब तक 7,91,00,000 से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। फिल्म राम सेतु के 45 जूनियर आर्टिस्ट कोरोना संक्रमित, रोकी गई फिल्म की शूटिंग। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना के मद्देनजर स्कूल 18 अप्रैल तक बंद, समय पर होंगी परीक्षाएं। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म, रैलियों में एक दूसरे पर खूब बरसे योगी और ममता। दिल्ली में कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर रेस्टोरेंट और नाइट क्लबों पर जुर्माना। गाजियाबाद में कोरोना को लेकर बड़ी सख्ती, कल से मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में टोकन से मिलेगा प्रवेश। गहलोत का गृह क्षेत्र जोधपुर फिर बन रहा है कोरोना हॉटस्पॉट, 194 नए पॉजिटिव केस आए सामने। अफगानिस्तान के कंदार में हुई एयर स्ट्राइक में 80 से ज्यादा आतंकी ढेर, तालिबानी कमांडर सरहदी भी मारा गया। आज से जनरल टिकट पर कर सकेंगे सफर, रेलवे ने शुरू की 71 नई ट्रेनें। हरियाणा के रोहतक में भीषण सड़क हादसा, बिहार से काम करने आए मजदूरों समेत 40 लोग घायल। अमित शाह ने जगदलपुर पहुंच सुरक्षा कर्मियों को दी श्रद्धांजलि, सीएम बघेल भी रहे मौजूद। शेयर बाजार में कोरोना की नई लहर का कहर, सेंसेक्स 1391 अंक टूटा। अमिताभ बच्चन की फिल्म गुडबाय के लिए बुक किया गया पूरा स्टूडियो, कोविड-19 के चलते कोई दूसरी फिल्म नहीं होगी शूट। उत्तराखंड के जंगलों में 40 से ज्यादा जगहों पर दहक रही आग, अब आबादी क्षेत्र भी जद में। बंगाल में चौथे चरण के लिए प्रचार और रोड शो शुरू हुआ। कार्तिक आर्यन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, एक्टर ने कहा 14 दिन का वनवास खत्म। बिहार में 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत, 6 डॉक्टर्स भी मिले कोरोना पॉजिटिव। पाकिस्तान के काम नहीं आई फकर जमान की 193 रनों की पारी, टारगेट का पीछा करते हुए खेली सबसे बड़ी पारी। एंटीलिया केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई 15 दिन में प्राथमिक जांच करे, आरोप गृह मंत्री पर है इसलिए पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर के बाद संदिग्ध वस्तु मिली, बम स्क्वाड ने कब्जे में लिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। मोदी पर दीदी का हमला, कहा पीएम क्या भगवान या सुपर ह्यूमन है जो नतीजों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। फकर जमान ने खेली वनडे इतिहास की सबसे बड़ी पारी, वॉटसन का रिकॉर्ड तोड़ा। देश की सबसे बुजुर्ग महिला ने ली कोविड वैक्सीन की पहली डोज, 118 साल की है तुलसाबाई। तमिलनाडु में पटाखे की फैक्ट्री में लगी आग, 1 की मौत, 2 जख्मी। मार्केट में नहीं बिकेंगे अब एलजी के स्मार्टफोन, कंपनी बंद कर रही है मोबाइल बिजनेस यूनिट। केरल में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन की ऑटो की सवारी, कैमरे में कैद हुआ वीडियो। दूसरी लहर से देश में हुआ कोरोना विस्फोट, पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। अकालियों के धरनों को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया ड्रामेबाजी, बोले राज्य में खो चुके हैं अपनी साख। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।